हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बज रहा है 9:30। मैं जब सुबह 5:30 बजे उठी थी, बिल्कुल भी फोग नहीं थी, और अभी इतनी ज़्यादा फोग हो गई है कि पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 7 बजे तक भी कुछ भी नहीं था, और कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप निकल रही थी। आज फोग होकर पता नहीं धूप भी निकलेगी या नहीं निकलेगी। पीछे वो एक पीपल का पेड़ है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। थोड़ा पार्क में पूरा नज़र नहीं आ रहा, आधा ही नज़र आ रहा है। और ये चाहत, इसकी क्लास आने वाली है अभी, ये अपनी क्लास लेगी। आयु नीचे अपना खाना खा रहा है। अभी ठंड की वजह ले रहे हैं अभी खड़े होकर बाहर, क्योंकि हवा भी चल रही है। और इनकी क्लास आ जाएगी, मुझे करना अपना झाड़ू पोछा, क्योंकि हमारी जो काम वाली है वो अपने घर चली गई 1 महीने के लिए। तो ये अपनी क्लास लेंगे तभी झाड़ू पोछा करूंगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं पोछा लगाती रहूँ और उसमें कोई पैर टप 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 करके चले, वो पैरों के निशान हो जाते हैं फिर। इसलिए आपको मिलते हैं अभी झाड़ू पोछा करने के बाद। गाइस, सुबह सुबह तो थी इतनी ज़्यादा फोग, और अभी धूप निकल गई है, इनको ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। झाड़ू पोछा सुबह कर लिया था, उसको करने के बाद जाके पार्क में बैठ गई थी, बहुत देर तक वहाँ बैठ के फिर आ गई। अब इनको जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। इनके एग्जाम भी आ रहे हैं, फाइनल डेट शीट आ गई है अभी। अब इनको अपनी थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। आयु तो ऐसे ही खेलता रहता है, लर्न कुछ करता नहीं है ये। गाइस, ट्यूशन से आने के बाद आयु करने लग गया है अपनी ड्राइंग, और साथ में खाने लग रहा है अपना खाना चूरमा। ये इसने थोड़ी सी तो बनाई थी जब इसकी क्लास चल रही थी उस टाइम पर, ब्रेक में, और ये अभी स्कोर कंप्लीट करने लग रहा है, बाल बनाने इसके बाल बनाने लग रहा है, और साथ में इसका चूरमा चल रहा है खा रहा है। और ये चाहत अपना खाना खा के, मतलब चूरमा खा के यहाँ बैठ गई अपना पढ़ाई करने के लिए। पिंक पिंक पिंक, हाँ जी, राम ने भी पिंक पहन रखा। मेरी तो वाइट जैकेट है, नहीं इसके अंदर पिंक पिंक। क्या बनाया वैसे आपने? डीजा लोग उल्टा है, उल्टा है, ये बन रहा है इसका। और क्या कर सकता हूँ? आप देखो, आपने ही बनाया है। तो मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ, इसके बाल बाल तो मैंने और एक्स्ट्रा करे। देख लो आपको क्या करना है। ऐसे है तो अभी क्या कर सकता हूँ वैसे का? चलो खा ले इतने, फिर करना। गाइस, इनका बनाया था चूरमा, तो ये अपनी ड्राइंग के साथ साथ चूरमा चल रहा है इनका। और मैं नीचे जाके भी बनाती हूँ अपने लिए बाजरे की रोटी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी खानी है, इसलिए अभी बाजरे की रोटी बनाती हूँ। वैसे अभी तो टाइम हुआ है 6:00 बजे है, पर मेरे को भूख लग रही है, तो अभी जाके बना लेती हूँ, फिर बाद में नहीं खाऊंगी, अभी बाजरे की रोटी। गाइस, ये रखा बाजरे का आटा, और ये अभी मेरा पानी गर्म हो रहा है आटा लगाने के लिए, और अभी बनाते हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी के लिए आटा हो गया है, ये एक ही रोटी का है, क्योंकि मुझे ही खानी है और तो किसी को खानी नहीं है, इसलिए अभी इसको हाथ से बढ़ाते हैं।
गाइस ये एक साइड से सिक गई है, अभी दूसरी साइड से और सिकेगी। दूसरी साइड से थोड़ा टाइम लगेगा। गाइस ये दूसरी साइड से भी सिक गई है, अभी इसको गैस पर बनाते हैं। गाइस ये मेरी रोटी बन गई है, अब मुझे इसको खाना है दही से और ये घी। अभी इसको खाती हूँ गरम गरम। गाइस आई जो ड्राइंग कर रहा था उसने ये बनाया है, ये कंप्लीट हो गई है। दिन से ही बनाने लग रहा था ये। गाइस ये देखो हमारे घर कौन आया है, ये आयु की बुआ जी है और ये कार्तिक इनका बेटा। अभी बज रहे हैं, कितने बजे आए हैं? अभी 8:15 बज रहे हैं, रात के 8:15 बजे आए हैं। आयु मिलने आया है ऊपर, अभी पढ़ाई करने लग रहा था नीचे। चात भी एक्साइटेड था ना खाने के चक्कर में इसने। आयु का भी आ रहा है मैसेज, अरे इसके मंडे से शायद। पानी गरम करने लग रहा है, गैस को पानी देंगे गरम गरम, ठंडा नहीं देंगे। अभी इसका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। जो जो माँ पापा भी आ गए कपड़े चेंज करके, इतनी ठंड में ना निकल डाली हुई है अपनी। गाइस ये दीपक लेकर आया गाजर का हलवा और पूरी परात को ही उठा के ले आया खिलाने के लिए। ये किसी कटोरी वटोरी में तो डाल के दिया नहीं, चम्मच के साथ पूरी पराठी पकड़ा खाने के लिए। कार्तिक खा फिर। ठंड से भी हो सकता है, कार्तिक उल्टी आ गई भी गाड़ी में। गाइस आज मम्मी गई है अपने घर और कविता जी आ गई यहाँ पर, तो आज चाहत वैसे ही मम्मी के साथ नीचे ही सोती है, आज ये ऊपर सो रही है। और अभी बज गए हैं 9:30। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।